गट्टू एक बहुत ही प्यारी कहानी है, एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे बच्चे की जो पतंग उड़ाना बहुत पसंद करता है। वो एक दुकान में काम करता है, जैसे चाइल्ड लेबर होते हैं, और आज इनफैक्ट कल एंटी चाइल्ड लेबर डे था। तो आप समझ सकते हैं, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर हमारे देश में है। तो वो उसी तरह का एक बच्चा है जो पतंगबाजी के चक्कर में स्कूल में पहुंच जाता है, और फिर उसकी क्या जर्नी रहती है और किस तरह से वो एक अनपढ़ बच्चा स्कूल से क्या सीखता है, दूसरे दोस्तों से क्या सीखता है, और उन बच्चों को सिखाता भी बहुत कुछ है। तो बहुत ही एक फनी भी है, मज़ेदार भी है, एडवेंचरस स्टोरी है, जो मुझे लगता है ना सिर्फ बच्चों को पर बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। गट्टू का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया है कि उसको ऑलरेडी अवार्ड्स मिल गए हैं। अभी मैंने सुना है कि वो हैदराबाद पहुंच गया है अनुराग कश्यप की अगली फिल्म करने। तो आप समझ सकती हैं कि कितना चार्मिंग और कितना बढ़िया, और उसमें एक नॉटीनेस भी है जो बहुत अच्छी है। ये राजन खोसा ने ये फिल्म बनाई है और रुड़की में इसकी शूटिंग हुई है। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी जो हम, जिसकी मैं चेयरपर्सन हूँ, इसने इसको प्रोड्यूस किया है। हमारे पास वैसे 250 फिल्में हैं हमारे लाइब्रेरी में, हमारी आर्काइव में, और इतनी दुख की बात है कि अभी तक एक भी फिल्म नेशनली कमर्शियली रिलीज नहीं हुई है। तो गट्टू पहली फिल्म है जिसे, जो रिलीज होगी 20 जुलाई को। नहीं देखिए, बच्चे जब तक स्कूल में नहीं जाएंगे तब तक वो मजदूरी करते ही रहेंगे, तब तक उनपे वो बोझ बना ही रहेगा। तो स्कूल ही एक ऑल्टरनेटिव है, और हम चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में ये कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कितना भी आपका भारी भरकम मैसेज हो, वो अगर मज़ेदार ढंग से ना बताया जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिल्म में कोई भाषणबाजी नहीं है, कोई प्रीच नहीं किया जा रहा कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसा कुछ नहीं है। मज़े मज़े में कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो मुझे लगता है माँ बाप भी खुश होंगे कि ऐसी फिल्में बच्चों के लिए बन रही हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे अगर आप देखते हो तो या तो रियलिटी शोज या टीवी में जिस तरह के सीरियल्स आते हैं, या बॉलीवुड की जिस तरह की फिल्में होती हैं जो 6 साल के लिए भी है, 16 साल के लिए भी, और 60 साल के लिए भी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है बच्चों के लिए? तो खास उनके मनपसंद फिल्में बननी चाहिए जो उनके एज के अप्रोप्रिएट हों। सो वी रियली हैप्पी कि हम गट्टू जैसी फिल्म बना पाए और फाइनली वो पर्दे पे दिखेगी।